स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सो ऑफिस के कैफेटेरिया से स्टार्ट करूं। आप सभी को पता है लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा बहुत चले, फिर उसके बाद जिम भी करी, बाइसेप्स का वर्कआउट करा एंड आ चुके हैं अब ऑफिस और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि पूरे दिन भर सोए कम थे, चले ज़्यादा थे और वर्कआउट बहुत ज़्यादा करा था। बहुत चले, फिर उसके बाद जिम भी करी, बाइसेप्स का वर्कआउट करा एंड आ चुके हैं अब ऑफिस और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि पूरे दिन भर सोए कम थे, चले ज़्यादा थे और वर्कआउट बहुत ज़्यादा करा था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी डाइट है, आप सभी को पता है ये है अंडा। एंड यहाँ पे दो लोग और हैं, मित सिमरन वो थोड़ा शाय है एंड यहाँ पे अशेष रेड्डी, अशेषता कोई नहीं, मैं दी बोल लेता हूँ, ये दी जैसी है मेरी एंड दी जैसी है। तो यहाँ पे खाना भी बिल्कुल घर जैसा ही है, बिल्कुल घर का ही खाना है, ये सारा घर का खाना ही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है छोले अच्छे खासे जो घर में बनते हैं एंड यहाँ पे उड़द दाल की खिचड़ी, उड़द दाल की खिचड़ी है और इसके बीच में देसी घी भी बोला था, देसी घी डाला है। सो यहाँ पे यार ऐसा होता है, कभी कोई होता है कभी कोई होता है, बट अगर मैं इन दोनों के साथ लंच करता हूँ तो मेरे को हमेशा ये बोला जाता है कि भाई हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखते हैं, थोड़ा मेरा भी ख्याल रखा जाता है, एक दो रोटी फालतू होती है क्योंकि आप सभी को पता है मेरी जो डाइट है ब्रूटली मैं फॉलो करता हूँ, दैट इज़ प्रोटीन वाला एंड मैं अभी फ्रूट्स भी निकालूंगा। तो गाइस ये फ्रूट्स भी है, भाई ऑलरेडी आ चुका है, आप सभी को पता है ये व्लॉग्स में आ ही रहा है आजकल, जब भी ऑफिस का जिक्र होता है या ऑफिस की फुटेजेस बनती है ये हमेशा अवेलेबल होता है। और बस यही दिखाना था, खत्म। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला क्योंकि ऑफिस में टाइम लिमिटेड होते हैं, ब्रेक्स लिमिटेड होते हैं। अभी इसको खाऊंगा और मैं मिलता हूँ आपको सुबह घर में। ऑलराइट गाइस, सो घर आ चुके हैं और भूत भी अच्छे से बन चुका है आप देख सकते हैं। तो खाने में थोड़ा कंट्रोल है तो इस वजह से टायर्डनेस कुछ ज़्यादा है क्योंकि डेफिसिट में आप सभी को पता है आप जितना कम खाएंगे उतने एनर्जी लेवल्स कम होते हैं। जो पूरा का पूरा दिन था राइट, वो चलने में फिरने में इन सब चीज़ों में मैंने वेस्ट नहीं बोलूँगा यूटिलाइज़ करा था। उस चलने फिरने से मेरे को एक अलग लेवल की प्रोडक्टिविटी मिली थी, बट यस उसने कहीं ना कहीं मेरी शिफ्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आई। एक दो बार मेरे को ऐसे भी लगा कि मेरे को नींद आ रही है थी क्योंकि थकान ऑन पॉइंट थी, इतना चले उसके बाद यू नो वर्कआउट भी करा था तो कहीं ना कहीं उसने मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस दिया, बट मज़ा बहुत ज़्यादा आया क्योंकि यू नो जो मैं चाहता था करना वो मैंने करा। सो मुझे पता है मैं डेड होने वाला हूँ एंड मेरे को नहीं लगता कि यू नो ढाई या तीन बजे से पहले मेरी नींद खुलेगी, तो फटाफट से एक मील लूँगा और सो जाऊँगा। सो दोस्तों सुबह के 6 बज रहे हैं, अब दिन बड़े होते जा रहे हैं, अभी मैं शिफ्ट करके आया हूँ और अगर मैं अभी सोता हूँ तो मेरे को पता है कि नींद सीधा 3:30 बजे खुलेगी और उसके बाद मुझे तुरंत जिम हिट करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले कुछ खा लूँ। घर की दाल चावल ये मम्मी ने बनाई थी सुबह सुबह उठ के, क्योंकि मम्मी का रूटीन है सुबह 5 बजे योगा जाना, तो चावल भर के खा लूँगा, मैं थोड़े से खाऊंगा ताकि मेरी बॉडी को थोड़े ग्लाइकोजन रिजर्व्स मिल सके, सो के उठूंगा तुरंत जिम जाऊंगा एंड यस इसको एंजॉय करूंगा। आई वांट यू जस्ट गिव मी एज फास्ट एज यू कैन, ओके आई एम गेटिंग लेट एंड यू गॉट टू गिव मी ट्रीटमेंट एज फास्ट एज यू कैन। I said, okay? I didn't know. Late, okay? I'm getting late. जल्दी जल्दी कर, मैं सच में बहुत लेट हो रहा हूँ, समझा करे यार, ठीक है? जल्दी जल्दी कर फटाफट से। आँखों में सही है, बढ़िया ना? ये मतलब मेरे को हमेशा की तरह ये स्मार्ट तो बना ही देता है। और यार मेरे को ऐसा लग रहा दाढ़ी यू नो शेव सेट करते करते मेरे को अचानक से ये थॉट आया कि जिस तरीके से तीन चार दिन में ही दाढ़ी बढ़ जाती है तो 3-4 दिन में अगर बॉडी बन जाती तो कितना अच्छा होता, कितनी सालों की मेहनत होती है। तो यार यही थॉट आया था, चलो अब मैं जिम में मिलता, बहुत ज़्यादा बकवास हो गई। सो हाउ मच डू आई ओ यू, हाउ मच डू आई ओ यू? 30 रुपए 30 रुपीज वेट करके भाई का कि मैं ही चल लूँ, वेट कर लूँगा। सो दोस्तों बहुत दिनों बाद आए हैं काकू जी, ठीक है? बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, बीएड भी छोटी करा ली है, थोड़े बिजनेसमैन टाइप के हैं, थोड़े बिजनेस टाइकून है बहुत बड़े, सो इसलिए इनको थोड़ा टाइम मिलता है। अरे भाई थोड़ा इतना झूठ बोलो कि थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। दो दिन से शादी चल रही थी ना, शादी निपट गई, काम निपट गया, अब थोड़ा बॉडी पे ध्यान देना है, बॉडी बनानी है। अंकित भाई से थोड़ा सा मैं इन्फ्लुएंस हुआ उनकी बातों से, ये कुछ ज्यादा हो गया है। नहीं बिल्कुल सच है ये भाई, कटनी होनी चाहिए बात, ये मैं अंकित भाई से। अंकित भाई कुछ खाओगे इससे पहले, वर्कआउट से पहले? क्या खाना है बताओ, तुम बताओ। इडली? इडली नहीं, कुछ मीठा हो जाए या कुछ ऐसा बताओ। मीठा तो नहीं भाई, मीठा तो मेरे सामने मत बोला करो, मीठा हो जाए। इडली में थोड़े कार्ब्स होते तो इडली तो डाइजेस्ट हो सकती है, बट मीठा तो आप खाओ बाबा। देख लो भाई यही जवानी के दिन है, मना नहीं करते। नहीं भाई जवानी तो हमारी जा चुकी है, जवानी तो तुम लोगों की है। अभी तो जवानी फूटनी शुरू हुई है भाई आपकी, तो अब नए जवान हुए अभी आप। अरे रहने दो भाई, जिम की पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो चुकी है। आज करेंगे कौन सा वर्कआउट यार?
शोल्डर लेते हैं आज गाइस, लेंगे शोल्डर जो कि भाई का भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, तो लेट्स गो। केले से सीडियूज होने वाले हैं गाइस हम। Thank you.